आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित महासचिव गण और कार्य समिति के सदस्यों ने भाग लिया। कार्य समिति की इस बैठक में सबसे पहले दो शोक प्रस्ताव पारित किए गए। पहला श्री प्रियोरंजन दास मुंशी जी को लेकर और दूसरा केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में जो ओखी साइक्लोन से ट्रेजेडी हुई, बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हजारों करोड़ रुपए का जान माल का नुकसान हुआ। इन दोनों बातों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति ने, सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने अपना शोक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी का कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं की ओर से उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी उनके लगातार होते मार्गदर्शन और राष्ट्र निर्माण में उनकी सकारात्मक भूमिका को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्य समिति की ओर से धन्यवाद दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने हिमाचल और गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वहां के जागरूक मतदाताओं का भी विशेष तौर से धन्यवाद दिया। उन्होंने याद किया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा चुनाव कैंपेन असत्यता यानी झूठ के ऊपर आधारित था, भटकाने और ध्रुवीकरण की राजनीति पर आधारित था, और किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने हर बार गुजरात हो या हिमाचल, मुद्दों और सत्यता की और राजनीति में शुचिता और जवाबदेही की बात की और उसको लोगों के समक्ष रखा। राहुल जी ने विशेष तौर से गुजरात की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और जिस प्रकार से उन्हें स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और मार्गदर्शन गुजरात की जनता से मिला, उसकी विशेष तौर से चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोदी मॉडल की झूठ को एक संगठित तरीके से उजागर किया और डिसमेंटल किया। उन्होंने विशेष तौर से चर्चा की कि चुनावी कैंपेन के आखिर में प्रधानमंत्री जी और भाजपा अध्यक्ष और भाजपा नेतृत्व इतना बौखला गया कि उन्होंने झूठ व्यक्तिगत आक्षेपों और भटकाने का एकमात्र सहारा के अलावा उनके पास कोई और विकल्प बचा नहीं। राहुल जी ने विशेष तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेबुनियाद इल्जाम जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सेना के पूर्व प्रमुख जनरल दीपक कपूर जी और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर लगाए, और जिस प्रकार से 50 साल तक देश की सेवा करने वाले, बिल्कुल निश्चल और निष्काम भाव से सेवा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मोदी जी ने इल्जाम लगाए, न केवल उन्होंने उसकी भर्त्सना की पर कहा कि राजनीति की प्रकाष्ठा और परिपाटी अब इतनी गिर गई कि वोट बटोरने की आड़ में अब हम किसी परिपाटी का अनुपालन नहीं करेंगे और कहीं तक भी चले जाएंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, प्रधानमंत्री जी की जो रहस्यमयी चुप्पी है संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने अनर्गल बयानबाजी और इल्जामों को लेकर,
उसकी चर्चा भी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में की गई। खास तौर से श्री राहुल गांधी ने, जैसा उन्होंने आपको भी अपने रिमार्क्स में कहा, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मॉडल है और वो है झूठ और जुमले। उनकी हर बात झूठ से शुरू होती है मोदी जी की और झूठ पर खत्म हो जाती है। झूठ और दुष्प्रचार ये प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और उनकी बीजेपी की नीतियों में चोली दामन का साथ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव और पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जनों की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व का, उनके मार्गदर्शन का और पार्टी के प्रति उनकी लंबी सेवा का धन्यवाद किया गया। इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपकी ईमेल्स पर भेज रहे हैं। इसके अलावा लगभग एक घंटे से अधिक, लगभग डेढ़ घंटे के करीब मौजूदा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस कार्य समिति ने चर्चा की। उनमें दो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए, उनकी जिस्ट एक AICC स्टेटमेंट के तौर पर हम आपको देंगे, पर उसका जो सारांश है मैं आपको यहां बताऊंगा। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी झूठे इल्जाम लगाकर भाग जाते हैं, जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शूट एंड स्कूट की पॉलिसी फॉलो करती है, जिस प्रकार से इस देश में जो संस्थागत पद और संस्थाएं हैं उनको धूमिल करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस प्रकार से सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन और सबसे जुम्मेवार पद पर आसीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने से पूर्व 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सेना के प्रमुख जनरल दीपक कपूर जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी और अन्य जुम्मेवार पदों पर आसीन रहे लोगों पर देशद्रोह तक का इल्जाम लगाने से चूकते नहीं, चंद वोट बटोरने की आड़ में, ये अपने आप में इस पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की। इस उम्मीद के साथ कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री जनमत का अपमान करें, संसद का अपमान तो ना करें, उन्होंने जनमत और संसद दोनों का अपमान किया है, क्योंकि ना वो अपने बयान पर जनमत में कोई सफाई दे रहे और ना अपने बयान पर संसद में कोई सफाई दे रहे। माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा होता है, छोटा नहीं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था। व्यक्ति भूल करे, गलती करे, माफी मांग ले तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। परंतु कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता जाहिर की कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री अगर देश को सार्वजनिक तौर से बड़ी झूठ बोलेंगे, अपने से पूर्व पदों पर आसीन जिन्होंने 5 दशकों की जनसेवा की है उनको देशद्रोही बताएंगे और बाद में जिम्मेवारी से बच जाएंगे, तो इस देश में प्रजातांत्रिक मापदंडों और मूल्यों का क्या होगा? राजनीति में शुचिता और साफगोई का क्या होगा? राजनीति में जुम्मेवारी के एहसास और ईमानदारी का क्या होगा? इसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह नोट किया कि किस प्रकार से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत श्री नरेंद्र मोदी, मौजूदा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जो उस समय विपक्ष के नेता थे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो उस समय विपक्ष की नेता थी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस देश में एक झूठ का षड्यंत्र बुना और उस झूठ के षड्यंत्र से तत्कालीन यूपीए कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई और उस साजिश में भारतीय जनता पार्टी के भागीदार तत्कालीन कैग, जो आज कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस लिए बैठे हैं, श्री विनोद राय भी शामिल थे। और किस प्रकार से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक षड्यंत्र, साजिश और झूठ का सहारा लिया
और उस साजिश और झूठ के तहत पूरा 2G का घोटाला नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेतृत्व द्वारा बना गया। आज ये सामने है कि श्री विनोद राय ये कहते थे कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उन्हीं के डिप्टी आरपी सिंह जी जो सीएजी में जिन्होंने उस रिपोर्ट पर दस्तखत किए, उन्होंने सार्वजनिक तौर से बयान दिया कि नुकसान उनके मुताबिक 2,645 करोड़ का था, पर उनसे जबरन श्री विनोद राय द्वारा 2,645 करोड़ को बढ़ाकर 1,76,000 करोड़ लिखवाया गया। सीबीआई ने 1,76,000 करोड़ की बजाय 30,000 करोड़ का नुकसान बताया, और सीबीआई की स्पेशल अदालत ने, जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, जिसमें प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए, पहले प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट ने लगाए श्री यूयू ललित, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, दूसरे सुप्रीम प्रोसिक्यूटर फिर लगाए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री आनंद ग्रोवर सीनियर एडवोकेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पेशल अदालत का गठन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाए, और आए हफ्ते और महीने सुप्रीम कोर्ट केस की कार्रवाई की जांच, पूरी प्रोसीडिंग्स अपने पास सीलबंद कवर में मंगवाती थी। उस सीबीआई अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए बनाए गए साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। सच यह है कि भाजपा का षड्यंत्र के चक्रव्यूह को पार कर सच सीबीआई की अदालत से सामने निकल आया। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला जुमला। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा घोटाले का इल्जाम मात्र और मात्र झूठ पर आधारित था, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई, और इस बात पर तसल्ली व्यक्त की गई कि आखिर में झूठ के बादल कितने भी गहरे हों, परंतु आखिर में सच्चाई का सूर्य झूठ का अंधेरा चीरकर सामने निकल गया। विशेष तौर से यह भी चर्चा हुई, और कांग्रेस कार्य समिति ने 3 प्रश्न जो वहां गठन किए वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। इंडिया डिमांड्स आंसर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। नंबर 1, डिड श्री नरेंद्र मोदी, श्री अरुण जेटली एंड द बीजेपी नॉट कंस्पायर विद श्री विनोद राय, करंटली द चेयरमैन ऑफ द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विद कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस, टू मलाइन एंड डिफेम द कंट्री एज ऑल्सो द कांग्रेस लेड यूपीए विद देयर फॉल्सहुड एंड लाइज। Question number 2, should Shri Narendra Modi, Shri Arun Jaitley and others in BJP leadership not be held accountable for selling lies and false allegations, quay scam and corruption where none existed as proved by CBI court? Should they not render an unconditional apology for using the falsehood of a self-manufactured scam as a pedestal for gaining power by misleading the entire country? And number 3, BJP and Shri Arun Jaitley maligned the country, its institutions, and BJP blocked parliament for nearly 500 hours for over 3 years. Considering that each minute of parliament cost the country ₹2,50,000, should the BJP be not held accountable for wasting ₹750 crores of exchequer's money besides paralyzing institutions? सवाल बड़ा सीधा है। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पाने का षड्यंत्र झूठ पर आधारित था, और अब झूठ के बादल छटे और जब सच्चाई सामने निकली तो खोदा पहाड़ और जुमला निकला, वो चरितार्थ हो गया। इसके अलावा केंद्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने आगे आने वाले चुनाव, मौजूदा राजनीतिक हालात, आज जो परिदृश्य महाराष्ट्र में भी बना है, जहां इसी प्रकार से कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री पर अनर्गल झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए और गवर्नर के ऑफिस का सहारा लिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जिसको हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया है, तो ये दूसरा झटका है जो पिछले 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के झूठ के प्रचार को लगा है। देश के लोग अब समझ गए हैं कि भाजपा का मतलब है झूठ,
मोदी मॉडल का मतलब है झूठ, और अब झूठे जुमले पर देश की जनता विश्वास नहीं करने वाली। केंद्रीय कार्य समिति ने श्री राहुल गांधी जी से, जहां उनका हिमाचल और गुजरात के कैंपेन में आगे बढ़कर नेतृत्व संभालने के लिए धन्यवाद किया, केंद्रीय कार्य समिति ने उनसे यह भी अनुरोध किया कि जल्द से जल्द कांग्रेस संगठन में और ज्यादा स्फूर्ति लाकर वो आगे आने वाले चुनाव और एक व्यापक रणनीति जो है उसका निर्माण करें, जिसका सब कांग्रेस जन मिलकर निर्वहन करेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। The issue, Sunil ji, is not about appointment of an individual. The issue is about action of the individual in defaming institutions of this country. And what has now come out prima facie, that Shri R.P. Singh, who was second in command, he made an elaborate statement saying that according to him, the loss was 2,645 crore. And when he refused to quantify the loss as a higher amount than that, he has publicly again stated, which has been quoted in many newspapers and publications today also, that he was asked in writing to increase and enhance the loss theory from 2,600 to 1,76,000 crore, a figure that the government run by BJP itself disowned after they came to power. For the charge sheet of the BJP filed by CBI, which runs into nearly 80,000 pages, quantified the loss at 30,000 crore. They themselves brought it down by 1,45,000 crore. And as the honorable judge has noted, and we have the Congress Working Committee looked at some of the summary of the three judgments, he has noted with deep concern, and I'm just reading for your consideration a few lines thereof. This is para 1810. It is also to be noted that there are many representations on record made by various prominent public-spirited persons before various authorities relating to wrongdoing in the instant case. However, none of them also volunteered to enter the witness box. What does all this mean? Apparently, this means that nobody had any good or first-hand material in his possession. And then he further says in 1811, I may also add that for the last about 7 years, on all working days, summer vacation included, I religiously sat in the open court from 10 a.m. to 5 p.m., awaiting for someone with some legally admissible evidence in his possession, but all in vain. Not a single soul turned up. This indicates that everybody was going by public perception created by rumor, gossip, and speculation. And that rumor, gossip, and speculation, its architect was the one who brandishes lies, and that person is, unfortunately, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the BJP leadership. कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी, और कांग्रेस कार्य समिति के एक दर्जन से अधिक सदस्यों ने ये इस बारे में बिल्कुल समान राय सबकी थी कि संघर्ष और जनता के बीच जाकर संघर्ष, वही अब कांग्रेस का रास्ता होगा। जनता की पीड़ा और उनके मुद्दे उठाना और उनके मुद्दों पर जनता के बीच जाकर, गांव और शहर के अंदर जाकर संघर्ष करना, एक व्यापक जनमत तैयार करवाना, और वो व्यापक जनमत बातों से नहीं, जन संघर्ष के माध्यम से, यही अब कांग्रेस का रास्ता होगा राहुल जी के नेतृत्व में। इस पर सर्वसम्मति सभी सदस्यों की थी
और इस पर एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने इस संघर्ष की परिपाटी को लेकर, वो संघर्ष की परिपाटी जो 1999 से 2004 में रही और उससे पहले कांग्रेस की रही 70 से 80 तक, ये निर्णय सबका सर्वसम्मति से था कि उस संघर्ष की परिपाटी को अब और तेज और मुखर किया जाएगा। मैम, मेनी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मैम डिड मेंशन द चैलेंजेस अहेड। श्री राहुल गांधी हिमसेल्फ इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स रेफर टू द चैलेंजेस अहेड। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑल्सो रेफर टू द चैलेंजेस एज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कांग्रेस नीड्स टू बी अकाउंटेबल टू। एंड द वर्किंग कमेटी वॉज यूनैनिमस इन सेइंग that the momentum gained from the current set of elections would only be enhanced so that in the next set of elections Congress emerges victorious. इस बारे कोई व्यापक चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं की गई। मैं पहले भी ये कह चुका हूं, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन हैं और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जनों के साथ रहेगा। थैंक यू। Even today in parliament, when 18 opposition parties, some of them formerly part of UPA, some of them not formerly part of UPA, come together, and Congress does have a number of allies in different states, some big, some small, and I assure you that those allies will only increase in times to come. Congress Party and United Progressive Alliance very much exists, and we will continue to function as a homogeneous unit to struggle on various issues of commonality. Thank you, ma'am.